पॉलिटेक्निक कॉलेज गुमला के छात्र छात्राओं ने प्लेसमेंट के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए कुछ दिन पूर्व कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया था। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा विभिन्न कंपनियों में नौकरी देने के नाम पर छात्र छात्राओं को अहमदाबाद सहित कई बड़े शहरों में भेजा गया था, जहां पहुंचने के बाद सभी छात्र छात्राएं ठगी का शिकार हुए और किसी तरह पुनः वापस लौट आए, जिसकी शिकायत मिलने के बाद आज राज्य समग्र मानव अधिकार की 5 सदस्यीय टीम जांच में गुमला पहुंची। जांच टीम के सदस्यों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकों और छात्र छात्राओं से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की। इस पर कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि कंपनी द्वारा हमें भी गुमराह किया गया, जिस कंपनी के लिए बच्चों को भेजा गया था उस कंपनी ने भी हाथ खड़े कर लिए। नहीं, हम लोग तो कंपनी वाला से देखिए अंकुर जी से भी बातचीत की। अंकुर जी बोले कि बच्चे लोग तो आए थे, ट्रेनिंग दिए, फिर हम लोग खाना भी खिलवाए, सेफ्टी ट्रेनिंग, लेकिन वो दूसरे जगह जहाँ पे एकोमोडेशन जो पहले जगह एकोमोडेशन में थे उसमें तो बच्चे लोगों को प्रॉब्लम था, बच्चे लोग बोले भी हैं, और दूसरे जगह एकोमोडेशन भी ले गए तो वो भी बच्चे लोगों को पसंद नहीं हुआ। फिर बच्चा लोग अंकुर जी बोले थे कि मैं हर एक बच्चा को, ईच इन इंडिविजुअल बच्चा को मैं मोबाइल नंबर मेरा दिया था, कि जो एस के वाईटेक का एचआर है वो बोले कि मैं हर एक बच्चा को नंबर दिया था कि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो मेरे से डायरेक्टली बात करो, लेकिन कोई बच्चा मेरे से बात किया नहीं, अपने मन से वो लोग चले गए, ऐसा वो लोग बोले हैं जो मैं इनसे भी नहीं। सर, अभी तक कमला डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज के जानकारी है और सभी लोग, जितने भी लोग इससे संबंधित हैं, SKYS कॉन्ट्रैक्टर, रिसब कॉन्ट्रैक्टर, सारे चारों का नंबर हम लिए हैं और इसको पूरी तरह से हम लोग छानबीन करेंगे। हमारा एक टीम हो सके तो गुजरात के लिए प्रस्थान करेगी और वहाँ के इस कंपनियों को छानबीन करेगी, उनका अस्तित्व है भी या नहीं है। दूसरी चीज़ की जब हमारा दस्तावेज क्लियर होगा तो यहाँ के हम मुख्यमंत्री साहब को हम लोग जरूर मिलेंगे, उनको एक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, यहाँ के SDO साहब को भी जरूर देंगे और DC साहब को इसके विषय में संबंधित जानकारी देंगे, ताकि ऐसे झारखंड के अंदर ऐसे फ्रॉड कंपनियाँ जो आ रही हैं और हमारे यहाँ झारखंड के बच्चों को लेकर जा रही हैं उनसे लेबर का काम करवाने के लिए, तो उस पर रोक लगाया जा सके और एक तरीके से बच्चों का नियोजन हो सके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।